The last time on the beach in Nanaimo. In that beach on Nanaimo. Let's go for reindeer! Come on, you for reindeer! मैंने नहीं बोला इनको बोलने के लिए, इन्होंने खुद ही बनाया. Last time on the beach in Nanaimo. आज है वेंसडे, मिडल ऑफ द वीक. संडे को आएगा मूवर्स. अभी 3 दिन है पैकिंग के लिए और 70-80% पैकिंग हो गई है. तो थोड़ा सा आज रिलैक्स करते हैं. वन लास्ट टाइम ननाइमो भ्रमण करते हैं. ननाइमो भ्रमण नहीं, मतलब एक जगह ही जाएंगे, बट ननाइमो के नेचर को एंजॉय करते हैं. जाने से पहले तो पहले हम एक वाटरफॉल का देख रहे थे, तो वहाँ के लिए काफ़ी वॉक करना पड़ेगा. और अभी वॉक करने का बिल्कुल एनर्जी नहीं है, शरीर के हर एक जॉइंट में पेन हो रहा है. तो मैंने बोला कि चलो बीच पे चलते हैं, बच्चे कर लेंगे फन और मैं करूँगी रिलैक्स. तो आज हम जा रहे हैं एक नया बीच एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो आज तक हमने नहीं किया. तो लेट्स सी वो है लेडी स्मिथ में. लेडी स्मिथ भी छोटा सा वही आइलैंड का टाउन ही है. अराउंड 30 मिनट्स लगेंगे शायद जाने में. और काफी फेमस बीच है, ट्रांसफर बीच नाम है. तो हम ट्रांसफर हो रहे हैं ना, इसीलिए ट्रांसफर होने से पहले ट्रांसफर बीच जा रहे हैं. वाह 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 वाह. आर यू रेडी फॉर द बीच? यस. आर यू रेडी फॉर द बीच? यस. Heard you want to leave this place, but we grew up, this old town, just put it all behind. I remember the airport. ये रहा ननाइमो का एयरपोर्ट, जहाँ पे अगर आपको फ्लाइट पकड़नी हो ना, अगर आप आधे घंटे पहले भी आओ ना, तो इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ सकते हो. क्योंकि छोटा सा एयरपोर्ट है ना, तो ज्यादा रश नहीं होता. हम लोग जब इंडिया जाना था तो मैंने वही प्लान किया कि 2.5-3 घंटे पहले जो आना होता है वैसे हम निकलेंगे, वैसे हम जाएंगे. तो मैं अपने फ्रेंड से एक बात कर रहा, तो उन्होंने बोला कि ओए देख के जाना, वो तो एयरपोर्ट खुलता भी नहीं है फ्लाइट से पहले. वो एक घंटा, आधा एक घंटा पहले खुलेगा और कोई लाइन वाइन नहीं होती. आराम से सारा लगेज डाल दो. और क्योंकि यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट कोई भी हो, यहाँ से तो डोमेस्टिक रहेगी. लेकिन आप आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले पहुंच जाओ, बहुत सफिशिएंट है. 30 मिनट्स लगा पहुंचने में. लेडी स्मिथ टाउन है, छोटी सी टाउन है. और वहां पे है ये ट्रांसफर बीच, वाटर पार्क है, प्लेग्राउंड है और काफी सारे बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं. जल्दी जा, रन नहीं. ठंडू है, केयूष को पानी में ठंडू लग रहा है. रन नहीं, आराम से आराम से. यहाँ पे काफी कायकिंग भी होती है ना, तो ये कायक रेंटल है. यहाँ पे जिनको भी आता है लाइक कायक चलाना, वो यहाँ आओ, रेंट करो और चलाओ, एंजॉय करो. जाओ जाओ बीच में डुबकी लगाओ. वहाँ पे कायकिंग भी हो रही है, रेंटल लेके लोग कायकिंग चला रहे हैं. चलाओ चलाओ. जले पे नमक. कोई नहीं, एक दिन आएगा आएगा आएगा. तो मैं तो वही बोल रही हूँ, क्यों उदास हो रहे हैं? ये देखो मजे ले रहे हैं, ये पानी में मस्त भींग रहे हैं. बहुत बड़ा है ये बीच से ज्यादा नहीं, ये वाटर पार्क और प्लेग्राउंड जो बना हुआ है वो फैमिली के लिए बहुत फैमिली फन है. लाइक फुल डे आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं. केयूष को ना सर पे पानी आना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो जहाँ पे बकेट गिर रहा है वो उसे कितनी दूर जाके खड़ा है. आया 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 आया, जल्दी आ जा नहीं तो केयूष भाग जाएगा. आ जा बकेट, सर पे लेके बैठा कि अभी गिरेगा. अब गिर नहीं रहा, अब भाग जाएगा. ये इतना नहीं वेट करेगा, फिर भी इतना वेट कर लिया वही बहुत है. सबूरी केयूष सबूरी. हाँ अभी आएगा. चला गया. अभी आएगा.
बच्चों को करने देते हैं मस्ती और चलो दोस्तों हम ग्रेप्स एंजॉय करते हैं बीच पे बैठ के, मीठे मीठे ग्रेप्स और ये खूबसूरत नजारे। डैडी गायब हो गए हैं दोस्तों, वॉक करने निकले थे आसपास, बोलते देख के आता हूँ। अच्छा काइकिंग के साइड गए थे। बड़ा मन था उसका, बोल रहे हैं मैं उदास नहीं हूँ बट ठीक हो जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे फिर बिजी हो जाएंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। अब ये ट्रांजिशन वाला फेज थोड़ा तो होता ही है। सब मुझे छोड़ के चले गए यहाँ पे बीच पे आके प्ले कर रहे हैं, मुझे बुलाया है छोड़ के आ गए मुझे और क्या, रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पे भी तो रिलैक्स कर सकते हैं। ये देखो बोतल लॉक रखा हुआ है, मस्त यहाँ पे बैठो और एंजॉय करो। बट ये स्विमिंग करने वाला बीच उतना नहीं है ना, इतना अच्छा नहीं है ये, जितना वो कॉलिकम वाला कॉलिकम बेस्ट था, सैंडी था ना तो रिस्की नहीं था, ये काफी रॉकी है। The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin beginning to fall. Treasure mila aapko? Kya treasure mila? Oh my goodness! कितने मजे आते हैं सैंड से खेलने में, है ना केयूष? ट्रेजर हंट कर रहे हो आप? देखो ये देखो क्या है, शेल। क्रैब नहीं था बेटा, लॉबस्टर, इतना छोटा लॉबस्टर। इतनी अच्छी वाली धूप है ना दोस्तों, मन कर रहा है ना कि सो जाऊं, वैसे ही नींद इतनी ज़्यादा आ रही है और बॉडी में भी पेन है, बहुत अच्छा लग रहा है सही में, एक लंबी नींद बनती है। मज़े ले लो थोड़े दिन के, फिर तो वहाँ पे जाके अनपैकिंग का टेंशन अलग और इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है। The fun was so much of fun, what? Chalo, bye bye beach. Rivers gonna cry when you're gone, 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 gone. Rivers gonna cry when you're gone, 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 gone. Rivers gonna cry when you're gone. Hey, no. Our new boxes will get free. Ke. बीच से वापस आते वक्त हम इंडियन स्टोर आए हैं, अनुजी गए हैं अंदर, तो मुझे मखाना चाहिए था बेसिकली, कल मेरा फास्ट भी है थर्सडे और रास्ते के लिए भी मैं सोच रही हूँ मुरमुरे मखाने सब मिला के ना अच्छे से स्नैक्स बना लूँ। मखाना इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को, हेल्दी स्नैक्स हो जाता है, मंच करने के लिए अच्छा है, और सूजी का बेसन का छोटा छोटा पैकेट साथ में लेके जाने के लिए। तो जैसे ही अनुज एंटर कर रहे थे ना तो जो शॉपकीपर है वो बाहर बॉक्सेस लेके आके रख रहे थे, तो अनुज ने पूछा मैं ले लूँ बॉक्स, ना ले लो। फिर से मिल गया और बॉक्स। वैसे दो दिन पहले ही अनुज होम डिपो से और भी कुछ एक बॉक्सेस लेके आए क्योंकि बड़े बड़े वाले भी चाहिए। अभी बज रहे हैं 3, नींद आ रही है। केयूष को भी नींद आ रही है? केयूष और येशा ने ना सीट बदल लिया अपना, कार सीट। इन दोनों का कार सीट थोड़ा डिफरेंट है, जैसे जैसे बड़े होते हो ना तो कार सीट डिफरेंट हो जाता है, तो इन लोगों ने अपना कार सीट इधर उधर स्वैप कर लिया है। तो अब केयूष बोलता है कि बॉयज बॉयज सेम सीट पे, गर्ल्स गर्ल्स सेम साइड पे। और अभी बीच से यहाँ आने में कितना 20-25 मिनट लगे हैं, उतने में ही बोल रहे हैं इट्स टेकिंग फॉरएवर इन द कार। जिस दिन प्रिंस जॉर्ज जाएंगे बेटा क्या होगा, सुबह से लेकर रात तक रहना पड़ेगा कार में। 9 आवर्स की ड्राइव है प्लस 2 आवर्स का फेरी। अभी मुझे प्लान करने पड़ेंगे इनके एक्टिविटीज, कुछ कुछ तो रखा है मैंने, कुछ वीडियोस भी डाउनलोड करके रखे हैं फोन पे क्योंकि इंटरनेट और डेटा तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहां जाके भी डेटा चाहिए होगा ना क्योंकि इंटरनेट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत कुछ है दोस्तों, प्लानिंग ही प्लानिंग चले जा रही है और आप लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स भी मिल रहे हैं मुझे, सो थैंक यू सो मच। हाँ वाले ठीक है, छोटे वाले का।
उसी के अंदर रख लो, उसके अंदर जितने आ जाए उतने। हाँ, जब भी हम इंडियन स्टोर आते हैं ये वाला लीची जूस जरूर लेते हैं, हम सब का फेवरेट। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये तो फ्रेश जूस खाने वाले पीने वाले हैं। खा लो, सब कुछ खा लो। यार कभी कभी अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ साथ। हम खा लो नहीं, पी लो बोला मैंने अभी। मैंने अभी बोला कभी कभी खा लो अच्छा लगता है। उससे पहले बोला कभी कभी खा लो, मैंने कहा खा लो, सब खा लो, खा लो, ठीक है खा लो। ये सारे पंजाबी गाने बस यहीं पे मिलेंगे, प्रिंस जॉर्ज में नहीं मिलेंगे। शायद मिल जाए, शायद, कुछ पता नहीं क्योंकि एडमिंटन में नहीं था। चलो चलो काम करो, काम करो, काम करो तभी डिनर मिलेगा, चलो। ओए अब ये काम नहीं कर रहा है, दियारी नहीं मिलेगी, ठीक से काम करो। आज तेरा चीज कैंसिल। इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द डे, हाईलाइट ऑफ द डे, हाईलाइट ऑफ द डे। हम लोग आज मखाना लेके आए, तो क्योंकि प्रिंस जॉर्ज जा रहे हैं तो हमने ज्यादा से ले लिया कि पता नहीं वहाँ मखाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जस्ट ऐसी जर्नी में चेक कर रहा था कि इसका कॉस्ट क्या होता हुआ इंडिया में। तो यहाँ पे ये 50 ग्राम का एक पैकेट है, ये आता है अराउंड $4 का, $4 Canadian, जो अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास, थोड़ा ज्यादा ही होगा, 200 इंडियन रुपीज हो गया, 50 ग्राम। और इंडिया में वैसे ऐसे जैसे गूगल सर्च किया कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ फूल मखाना इन इंडिया, तो उसका आया 300 to 325 रुपीज केजी। यार 200 रुपए का 50 ग्राम। तो अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो, कुछ लाओ ना लाओ, अगर मखाना खाते हो तो प्लीज मखाना लेके आओ। What do you mean? ये सारी चीजें जो इंडियन, टिपिकल इंडियन चीजें होती है ना, लाइक बोरोलिन भी बहुत महंगा है। जब मम्मी पापा यहाँ आए थे ना, तो पापा ने मुझसे पूछा था कि बोरोलिन मिलता है एडमिंटन में, मैंने कहा हाँ मिलता है। जब वो आए, जब उन्हें कॉस्ट देखा तो इतनी मुझे डांट पड़ी। इतना महंगा है, एक ट्यूब के कॉस्ट में वहां पे 10 ट्यूब मिल जाएगा। डिनर में मैं बना रही हूँ पनीर भुजी, और ये शायद हेल्प कर रही है मेरी पनीर ग्रेट करने में, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और अभी मैं के सारे क्लिप्स और ये सब सॉर्ट कर रही थी, तो देखो दोनों को ये लंबे लंबे मालाएं मिल गई हैं और पहन के बैठती है। केयूष दिखाओ, ये देख, इतने आपसे बड़ा तो आपका माला है। और हमारे पैकिंग के एक्सपर्ट पैकिंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है थर्सडे और आप लोग को पता है थर्सडे को मेरा फास्ट होता है, तो अभी मैं सुबह सुबह उठ के नहा चुकी हूँ और कितनी बड़ी बिंदी लगाई है, मुझे यही मिला सामने, तो मैंने यही लगा लिया क्योंकि सारी पैकिंग करके रख दी है मैंने, तो और कुछ मिला नहीं। तो चलिए जल्दी से कुछ मीठा बनाते हैं, इस किचन का लास्ट मीठा, इस घर का लास्ट मीठा प्रसाद के लिए। तो क्या बनाऊँ, हलवाई बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा। और फिर करनी है आज बहुत सारी पैकिंग, एज यूजुअल, नथिंग न्यू, नेवर एंडिंग पैकिंग। जब तक मूवर्स आ नहीं जाते ना, तब तक पैकिंग चलती ही रहेगी। और कल रात से ही मैंने सारे डेकोरेशंस हटाना स्टार्ट कर लिया, तो फैमिली बोर्ड, लैंटर्न, सब कुछ हट चुका है। मैं हमेशा कमांड हुक लगाती हूँ ना, नेल यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज रेंटेड फ्लैट है, तो कोई पॉइंट नहीं है कि वॉल में होल होगा, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है छोड़ते टाइम। तो देखो वॉल देख के पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ था, तो काफी अच्छा होता है। और ये जो हुक्स है ना, ये वेस्ट नहीं जाते, ये हुक आप दोबारा यूज कर सकते हो। जो पीछे का जो चिपकाने वाला स्ट्रिप होता है ना, वो अलग से मिल जाता है, तो वो फिर से यूज हो जाएगा नए घर में। और आज ये पेंटिंग्स भी निकालनी है, और जैसे ही दीवारों से डेकोरेशन हटा दो, घर कितना सूना सूना लगने लगता है ना। बहुत ही सिंपल मेजरमेंट है इस हलवे का, 1 कप घी में 1/2 कप बेसन, 1/2 कप सूजी और 1 कप चीनी। वैसे मैं चीनी 1 कप से थोड़ा सा कम डालती हूँ, और गर्म पानी 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा। कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, फिर मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया है। लास्ट टाइम ननाइमो से बाबा के दर्शन कर लो, अब ये मिलेंगे आपको प्रिंस जॉर्ज में। बाबा मेरे साथ ना हर जगह घूम रहे हैं, ये मैंने, ये जितनी भी मूर्तियां हैं ना मंदिर में,
सब मैंने शादी के टाइम लिया था और शादी के बाद से हर जगह घूम रहे ये US, कनाडा, इंडिया में अलग अलग शहरों में हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। और पैकिंग में जैसे मंदिर का सामान वगैरह है वो तो मैं पैकर्स में भेज दूंगी, लेकिन मूर्तियां मैं अपने साथ ही लेके जाती हूँ। पूजा हो गई है और कल रात की पनीर भुज्जी रखी हुई है और थोड़ा आलू का मसाला भी रखा हुआ है, तो इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में पनीर भुज्जी से और आलू से पराठा, लाइक आलू पराठा एंड पनीर पराठा बन जाएगा। और मैं अपने लिए मखाने फ्राई करूंगी और चाय बनाऊंगी। No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I abhi main chai aur makhana thodi der enjoy karti hu, uske baad lagungi kaam pe. ये लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। काफी लोग बोल रहे थे कि पैकिंग डिटेल में शेयर करूँ, तो मैं ट्राई करूंगी, लाइक रिकॉर्ड करके रख लूंगी, बाद में हो पाएगा तो मैं शेयर करूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और ननाइमो का लास्ट बीच व्यू तो जरूर एंजॉय किया होगा, उसके लिए लाइक तो बनता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप लुकिंग अवेसम मेमोरीज। बाय बाय बाय, कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय। हेलो मिस्टर पैकर, व्हाट आर यू, व्हाई आर यू नॉट पैकिंग? तो ये क्या कर रहे हैं आप? उसको पैक करते हैं, आप उसे पैक करते हैं। इवन इफ आई एम फॉलिंग डाउन आई विल कीप ऑन सर्चिंग फॉर माय हाइज। Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling.